हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंकित टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज है 6 मार्च 2024, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे 6 मार्च 2024 के ही क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कह रहा है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 4 मार्च, या फिर ऑप्शन सी 3 मार्च। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मार्च इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, इसको देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस एवं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस एवं विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो मार्च में कुल अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन सेकेंड, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एम युवा योजना शुरू करेगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 35। यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? पलास। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? बार है, सिंगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारी थी। आगे चलेंगे, इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़कर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी? ऑप्शन ए 70 वर्ष, ऑप्शन बी 85 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85 वर्ष इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास आईवी नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल में तमंग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल बना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर, हाल ही में आमिर सुहावनी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार इज द राइट आंसर। तो बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 38। तो ए बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए,
आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के अनावरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में लगाया गया है। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। आगे चलेंगे, साथ ही वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को सपोर्ट मिलता रहे और वीडियो को लाइक भी करते रहें। हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए जॉन रहम, ऑप्शन बी टाइगर वुड्स, ऑप्शन सी रोनी मैचुली रॉय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइगर वुड्स इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें फेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपन हाइमन ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। KPPE नाइबेरिया पुरस्कार से एम सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, हाल ही में तमास सुलयोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी इथोपिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंगरी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। अलेक्जेंडर स्टाब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायाब बुकले अल सलवाडोर के नए राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अबद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बराडो एयरवोलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी पुरातत्वविद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातत्वविद इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, साथ ही वीडियो को शेयर करते चलना जिससे कि और लोगों को सपोर्ट मिलता रहे और वीडियो को लाइक भी करते चलें। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें जिससे। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी किदंबी श्रीकांत, ऑप्शन सी बी साई प्रणीत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी साई प्रणीत इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 10, हाल ही में एशियन रिवर रैफ्टिंग चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी काठमांडू या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिमला इज द राइट आंसर, तो शिमला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 11, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को GI टैग मिला है?
ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी? अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर माणिक साह। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? नल्लू इंद्र सेन रेड्डी। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? एट। तो यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? एट। आगे चलेंगे, इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। कटक की चांदी तार काशी को जीआई टैग मिला है, अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, जिसे काई चटनी भी कहते हैं, उड़ीसा के डोंगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शाह जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12। हाल ही में किसने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 13। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिसार इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 14। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ADITIII योजना को शुरू की है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 15। इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना इज द राइट आंसर। तो पटना कहाँ की कैपिटल है? बिहार की। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।